बाढ़ में डूबते बिहार की तस्वीरें हैं। अमूमन हर साल यहां बाढ़ से ऐसा ही या फिर इससे भी भयानक मंजर देखने को मिलता है। बिहार के 11 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है, जिनमें सीतामढ़ी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल, दरभंगा, चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज डूबे हुए हैं, जबकि बिहार की नदियों गंडक, बागमती, कमला, महानदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कमला और बागमती नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो आइए अब आपको जिलेवार बाढ़ का कहर दिखाते हैं, कैसे बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी में दो बाइक सवारों के लिए बाढ़ कहर बन गई। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड में बुलेट बाइक पर सवार दो भाई बाढ़ के बीच सड़क को पार कर रहे थे, तभी सैलाब दोनों को बहा ले गया। किसी तरह से एक ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा भाई बहता हुआ गहरे पानी में चला गया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और शव की तलाश की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो शख्स डूबा है उसकी शादी 30 मई को ही हुई थी। सीतामढ़ी में बाढ़ भयंकर तांडव मचा रही है और ये तस्वीरें सीतामढ़ी जिले के सुप्पी से आई हैं। यहाँ बागमती नदी कहर बनकर गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं, खेतों में फसलें तबाह हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अब तो लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ बाढ़ में एक नाव ही पलट गई। इसके बाद हाहाकार मच गया। बोट पर सवार दो दर्जन लोगों की जान पर बनाई, सब के सब डूबने लगे। पानी में छटपटाने लगे। उसके बाद लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। किसी को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे बचाया गया, तो किसी के तरफ टायर की ट्यूब फेंकी गई ताकि वो ट्यूब के सहारे अपनी जिंदगी बचा सके। बेतिया में इस तरह से बोट डूबने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद जो गांव वाले तैरना जानते थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद 14 लोगों की जान बचाई, जबकि जो लोग तैरना जानते थे उन्होंने खुद अपनी जान बचाई। बेतिया में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ सिकरहना नदी ने तबाही मचाई हुई है। दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। बेतिया के सेमरा पंचायत के पीपरा गांव में लोग पिछले 15 दिनों से बाढ़ के बीच बंधक बने हुए हैं। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई, केहू देखे सुने नहीं खे। 15 दिन से मचान पर बैठल बड़ो, खाना केने से आवता? गांव में से कोई कोई लिया के दे जाता। पानी में ना हमनी के केहू देखे सुने नहीं खे आव, हमनी के खाना आवे तो हमने खाली से गांव में से पढ़े कुछ ना मिलल है, सबो कुछ नहीं खे आंधी थी भय खैला बिनु बाल बच्चा मुंह में देखे सुने केहू नहीं खिलो आए। सैलाब ने इन्हें घर से बेघर बनाकर मचानों पर ला दिया है। इन बाढ़ पीड़ितों को कई दिन से खाना तक नहीं मिला है। बच्चे भूखे हैं, बुजुर्ग भूखे हैं, पड़ोसी गांव के लोग इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जितना बन पड़ रहा है इन्हें खाना मुहैया करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी लापता है। लोग भगवान भरोसे बाढ़ के हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं, यहाँ कमला बलान नदी काल बनी है। ये देखिए कैसे बाढ़ का पानी एक स्वास्थ्य केंद्र को लील गया और पूरी इमारत धराशायी हो गई। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ तांडव मचा रही है और नदी का पानी अपनी हदों को पार करते हुए गांव और घरों में घुस रहा है। यह इलाका साल में तकरीबन 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है, लेकिन न तो सरकार ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बिहार में विकराल बाढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक डूबी हुई है। यहाँ जल कर्फ्यू लगा दिया गया है, इस स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है।
मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर आज दूसरे दिन भी रेल का परिचालन बंद है, क्योंकि सुगौली में रेलवे ट्रैक पर पानी है और यहां से थोड़ी दूर दूरी पर एक पुल है, उसमें काफ़ी तेज बहाव है पानी का, जिसकी वजह से ये माना गया जो रेलवे के इंजीनियर हैं कि अभी ट्रेन का परिचालन करना ठीक नहीं है। सुगौली शहर में पानी है, स्टेशन रोड के साथ साथ NH-28 पर भी पानी है। सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिकरहना नदी में आए बाढ़ की वजह से सुगौली ब्लॉक के आधा दर्जन पंचायतों में बाढ़ का पानी है, जिससे वैक्सीनेशन पर भी असर पड़ रहा है। सुगौली से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।